बलदेव सिंह सरां जिहड़े CMD ने PSPCL दे, वेनू प्रसाद जी जिहड़े फाइनेंस सैकटरी भी ने, फाइनेंस सैकटरी साहब भी बैठे ने ते प्रिंसिपल सैकटरी साहब बैठे ने। सब तो पहला तां अज कुछ मीडिया छपया भी है, साडा एक्साइज दे विच जो साडी पॉलिसी बनाई सी असी वो थोड़ी जी लेट बनाई सी क्योंकि सरकार 16 मार्च नूं बनी तां इमीजिएटली पॉलिसी नहीं बना सकदे सी, उहनूं असी 3 महीने लई अगे कर लिया सी। सो साडा जिहड़ा ओवरऑल रेवेन्यू है वह 8841 करोड़ रुपये है, 8841 करोड़ ऑल टाइम हाई है। तो यह जिहड़ा पिछली बार नालों 2587 करोड़ रुपया ज़्यादा है जी, 2587 करोड़, यानी कि 41.41% वाधा हो। 2011-12 2755, 12-13 3324, 13-14 3769, तो साडा टारगेट 23-24 का 9754, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ का साडा टारगेट। इस तो पहला भी ये टारगेट अचीव किया जा सकता सी, पर जिस तरह पहला क्या जदों इन्हां ने माफ़ी बना लिया तो माफ़ी दे विचों अपने ही लै गए सारा कुछ, तो फिर वो पैसा जिहड़ा वो इन्हां दे घरां च गया जां इन्हां दे चहेतियां दे घरां च गया। सो साडा 2587 करोड़ रुपए का पिछली बार नालों वाधा रिकॉर्ड है एक्साइज का। हुण जिहड़ी सब तो वड्डी साडी अचीवमेंट कह लो जिहड़ी जे मैं कहां कि GST कलैक्शन दे विच पहला पंजाब लगभग लास्ट जां सैकंड लास्ट हुंदा सीगा देश दे विचों। इस बार 2018-2019 फाइनैंशियल ईयर दे विच 13,273 करोड़ सी, 19-20 12,752 करोड़ सी, 20-21 11,820 सी, 21-22 15,542 सी, ते साडी सरकार आई 22-23 18,126 करोड़ रुपया, 18,126 करोड़ रुपया साडी GST दी कलैक्शन है जिहड़ी जिहदे विच के 16.6% वाधा होया GST च कलैक्शन च। मैं फिर दस दिना कि 16.6% 16.6% इनक्रीज़ होया GST कलैक्शन दे विच, असी टॉप दे सूबियां दे विच आ गए कलैक्शन वजों, पहला असी सिर्फ डाउन पिछले पंज च हुंदे सी, असी हुण टॉप वाले दे विच आ, होर भी इहनूं असी GST दी कलैक्शन नूं वधावां। फिर असी एक एक्सपैरीमेंट करके देखिया कि असी रजिस्ट्री ते 2.25% 2.25% असी टैक्स कट करता रजिस्ट्रियां करवाउण दे। कई बारी लोकी कहिंदे आ चलो यार पावर ऑफ अटॉर्नी दी चलण दो, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाणगे अपने स्टाम ते। असी 2.25% दी 1 महीने वास्ते छूट देती 1 मार्च तो 31 मार्च तक। 2.25% दी छूट देण नाल तुसी हैरान हो जाओगे कि सानू रेवेन्यू दे विच कल्ले मार्च दे विच 78% इनक्रीज मिले जी, 78%। मेरे को महीना वाइज है, मैं तुहानू दे दूंगा बाद च, तुसी लै लिओ। अप्रैल दे विच किन्नी कलैक्शन सी, मई दे विच किन्नी सी, जून च किन्नी, जे इहदे चों फरवरी दी लाइए तां 338.99 यानी कि 339 करोड़ सी, बट मार्च दे विच असी इह करता 2.25 वाला जिहड़ा सी माफ़ करन वाला सीगा,
ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ 338.99 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ 658.69 ਹੋ ਗਈ 78% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲੂਗੀ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਊਗੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਟ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2.25% ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਮੇਨ ਗੱਲ 'ਤੇ PSPCL ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਬਟ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘਾਟਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰ ਲਓ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਘਟਾ ਲਓ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ 2018-19 'ਚ 9,036 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 19-20 'ਚ 9,394 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2020-21 'ਚ 9,657 2021-22 13,443 ਪਰ 2022-23 ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ CMD ਬੈਠੇ ਨੇ 2022-23 ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾ ਜੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ PSPCL ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 22-23 ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17,733 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ 22-23 ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20,200 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 9,000 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 9,000 ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20,200 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 22-23 ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ
और खेतीबाड़ी के जिहड़े खपतकार आ उन्हां नूं बिल्कुल उन्हां दी तसल्ली मुताबक है जिहड़ी 8 घंटे तो भी वध बिजली दित्ती। उस तरह ही असी जिहड़े हैगे आ इस आने वाले पैड़ी सीजन के भी क्योंकि सानूं पूरा पैसा मिल रहा है और अगे मिलने की आस है असी पूरे प्रबंध कर ले है। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कारपोरेशन वालों जिहड़ी बाहरों बिजली लियाउण दी ट्रांसमिशन कपैसिटी है वो पिछले साल जिहड़ा है 7400 मैगावाट तो वधा के 8500 मैगावाट कर दी गई सी जिहड़ी कि इस साल 9500 मैगावाट कर दी जाएगी। पंजाब के अपने अंदर जिहड़ा कोई 6500 मैगावाट बिजली असी वध तो वध गर्मी च पैदा करते हैं तो इस करके 9000 असी बाहरों बिजली लियाउण दी समर्था बन गई है तो असी 15500 मैगावाट तक जिहड़ी बिजली दी मंग है वो इस साल पूरी करांगे जबकि सानूं उम्मीद है कि 15000 तक अपना जिहड़ा है मंग उत्थे नेड़े तेड़े रहेगी। इस करके आने वाले पैड़ी सीजन के विच भी पिछली बार भी असी खास करके जो पहला हुंदा सी कि खेतीबाड़ी नूं बिजली देण लग्या जिहड़ा है इंडस्ट्रियल जिहड़े खपतकार है उद्योगिक जिहड़े खपतकार है उन्हां ते कट लग जांदी सी जिस तरह कि असी पिछले साल भी नहीं कट लाई। मैं सारिआं नूं विश्वास भी दिवाउणा कि इस साल भी असी बाकी दे जिहड़े भी कोई वर्ग है उन्हां दे उत्ते कोई कट नहीं लगेगी और खेतीबाड़ी नूं भी उन्हां दी लोड़ अनुसार बिजली जिहड़ी पूरी मिलेगी। धन्नवाद जी। नाल नाल बिजली बोर्ड दे पैसे दित्ते ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ 9020 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਵਿਰਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 9020 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1804 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1804 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਤੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਈ ਵਿਆਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 3538 ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3538 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 3538 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 20200 ਕਰੋੜ ਉਹ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 9063 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ। 9063 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 8225 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ 8226 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2910.31 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 2911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 20200 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ 20200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦੇਤਾ ਪੂਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 3538 ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 28042 ਟੋਟਲ ਉਹੀ 3500 ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 28042 ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਖੋਲਤੀਆਂ 150 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 504 ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ 504 ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ
हाँ जी मैंने पता मेरे मेरे तो इतने रटे पे ने जी उहदे विच 504 क्लीनिकां च हुण तक 21,21,350 पेशेंट टिल 31 मार्च 2023 यानी कि 8 दिन पहला। सो 21,21,350 पेशेंट आके दवाई लेके कई दे टेस्ट भी होए उतों ठीक होकर जा चुके ने। यानी कि ये की फायदा होया कि वो 21 लाख जिहड़ा है वह सरकारी हस्पतालों या प्राइवेट हस्पतालों दी लाइनां च नहीं लग्या। इहदा मतलब उन्हां हस्पतालों भी रश नहीं वध्या, उत्थे भी डॉक्टरों नूं थोड़ा जिहा टाइम मिलिया, मरीजां ते वध टाइम लाउण दा टाइम मिलिया। नहीं तां डॉक्टर जिहड़े ने जदों रश वध जांदा उन्हां नूं उन्हां ते भी बहुत प्रैशर आ जांदा। 134 मल्ला क्लीनिक होर तैयार ने, आने वाले दिनों उन्होंने उद्घाटन कर देंगे। तो नाल ये जो 21 लाख ने 134 अगे आने तो साढ़े को एक हैल्थ डाटा भी आ रहा है। ये बहुत नोट करने वाली गल है, खास तौर पर पंजाब की सेहत संबंधी साढ़े को हैल्थ डाटा आ रहा है। उहदे नाल सानूं ये पता लग रहा है कि पंजाब दे विच कीड़ी बीमारी किहड़े इलाके च ज़्यादा पैर पसार रही है। मोहल्ला क्लीनिकां दा जिहड़ा डाटा है उत्थों सानूं ये पता लग रहा है कि हाइपरटेंशन दे किन्ने मरीज़ आ रहे हैं, डायबिटीज़ दे किन्ने आ रहे हैं, हैपेटाइटिस सी दे किन्ने आ रहे हैं, बच्चों च किहड़ी बीमारी है। इहदे नाल सानूं असीं फिर एक पूरा पंजाब दा एक नक्शा बना के रोड मैप बना के जे किसी इलाके दे विच कोई बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है तो असी ये रिसर्च वास्ते भी साढ़े लिए तो उस जा उस इलाके असी स्पैशल हॉस्पिटल या स्पैशलिस्ट डॉक्टर भेज के असी उते काबू पा जिवें फाजिलका इलाके दे विच पानी नाल रिलेटड बीमारियां ने वो पहले भी आपां तुसीं देख चुके, तुसीं कवर भी कर चुके सारियां। सो इहदे नाल इह सानूं पता लगेगा ये सारा कुछ क्यों हो रहा जो अज मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि ईमानदार सरकार है। इदू पहला भी यह पैसा आ सकता सी पर आउंदा भी सी इन्हां दे घरां च जांदा सी, वो पैसे की डायरैक्शन इन्हां दे चहेतियां वल जां इन्हां दे अपने घरां वल हुंदी सी। इसे करके इन्हां दे घरां चों नोट गिणन वालियां मशीनां मिलदियां ने। सो ये ईमानदार सरकार है, आम आदमी पार्टी है, और मेरी मेरे किसी मंत्री की शिकायत नहीं, मंत्री ईमानदारदारी नाल काम कर रहे हैं। हो सकता नवे आ, किसी फाइल नूं टाइम लग सकता है क्लीयर करन च, पर असी साल दे विच सिख्या बहुत कुछ है। किन्ने मंत्री असी जिहड़े पहला इंडस्ट्री नाल रिलेटड सी जां कोई FCI नाल रिलेटड सी जां फिर कोई जंगलात महकमे नाल रिलेटड सी वो जेल की यात्रा भी कर चुके ने। जे उही पैसा खजाने च आउंदा तां खजाने चों तुसीं सही सही जगह ते ला सकदे सी। असी 600 यूनिट फ्री भी दे रहे हां, उहदा पैसा भी नाल दित्ता सी। इह जिहड़े कहिंदे सी ना उन्हां नूं पुछ लिओ कृपा करके कि उहदा उन्हां नूं तां पैसा दिखाता कल्ला कल्ला, तुसीं कहिंदे सी पैसे कित्थों आउणगे, आ पैसे असीं देते जी एक साल दे, और पहली बार होया और पुराने भी भर रहे हैं करजे उन्हां दे जिहड़े चाढ़े हुए ने। सो ये अज दा मेरा मकसद ये सीगा कि पंजाब दी आर्थिकता दी गड्डी जिहड़ी है वह पटड़ी ते चढ़ चुकी है, हुण इहनूं स्पीड अप करना है। आने वाले दिनों दे विच असीं पंजाब दे विच बहुत सारिया नौजवानों नाल रिलेटड स्कीमां लैके आ रहे हैं कि नौजवानों नूं असीं सैल्फ इंपलॉयड बनाईए, चाहे वह आने वाली एक दो दिन असी बड़ियां पॉलिसी दो तीन जिहड़ी है और तुहाडे सामने आके दसांगे कि किहड़े किहड़े सैक्टर दे विच असी यूथ नूं प्रमोट करांगे, उहनां नूं बिना करजे तों बिना लोन तो करजा देवांगे ताकि वह अपना बिजनेस बढ़ा सकन, जदों वह प्रॉफिट च आ गए उदों भावें वह करजा मोड़ना वापस कर देन, ताकि कोई किसी नौजवान का कम इस करके ना रुके जां उहदा आइडिया इस करके स्पॉयल ना हो जाए कि मेरे को पैसे नहीं सी, मेरे को आइडिया बहुत वधिया सी। सो पैसे वाली कमी सरकार पूरी करूंगी। आने वाले दिनों च असी प्लैन कर रहे हैं कि पंजाब दे विच घट्टो घट 8 तों 10 UPSC का पेपर देन दी दे ट्रेनिंग सेंटर जिहड़े फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री फॉर आल UPSC का पेपर देन दे ट्रेनिंग सेंटर जिहड़े 8 तों 10 असी खोल रहे हैं आने वाले दिनों च,
नौजवान सभा होया करूगी हर महीने च दो, हरेक महीने च दो नौजवान सभा उत्थे आप जावांगे असीं। इह कि चंडीगढ़ बुलाओ उन्हां नूं, असीं लुधियाणे जावांगे, असीं फरीदकोट जावांगे, मोगे जावांगे, असीं बठिंडे जावांगे, अमृतसर जावांगे, हुशियारपुर जिथे भी जावांगे उत्थों दे यूथ नूं मिलांगे, मुंडे कुड़ियां नूं, उन्हां दे आइडियाज़ की ने वह लवांगे, वह की चाह सरकार तो वह की चाहते हैं। कई बार सरकार अपने वालों ही थप दिंदियां ने उन्हां ते पॉलिसीज़ कि आ जी हाँ थोड़े लिए करता जी थोड़े लिए करता, पर वो स्टेक होल्डर्स नूं पता नहीं हुंदा, उन्हां नूं पता ही नहीं हुंदा कि अफसर कई बार बह के बना लेंदे इसी कमरे च, उन्हों कहिंदे सानूं इहदा कोई फायदा नहीं होना। जिवें तिन्न खेती कानून सरकार कहेगी बहुत वधिया ने, किसान कहिंदे असीं 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 तां लागू नहीं करने ने। कारण की रहा? स्टेक होल्डर्स नाल गल नहीं की ना, बह के बनाते फिर वापस लेने पए ना। पहले ही जे पुछ लेंदे हो सकता किसान होर वधिया सजेशन दे देंदे। तो इस करके असीं उन्हां नूं पुछ के आने वाले दिनों जिहड़ा वो स्कीम देवांगे। और सीएम दी योगशाला वो भी शुरू होगी, सेहत नाल संबंधित है, तो कुछ इस तरह के फैसले भी आने वाले दिनों आउणगे जिहदे नाल बिजली बोर्ड नूं भी फायदा होगा, तो कुछ इनोवेटिव आइडिया सरकार भी अपने वालों लैके आऊगी। सो माणयोग साढ़े नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई असी पंजाब दे विच एक साल दे विच जो अचीवमेंट्स ने बाकी दी सरकार ने 15-15 साल भी नहीं कीतियां, वो तो कदे आए ही नहीं, अज तो सामने है सैक्रेटरीएट, तुसी सारे सैक्रेटरीएट कवर करते हो, तुसी देखते दे होंगे कि पहले 5 साल जिहड़ियां गड्डियां ने मुख्यमंत्री दियां वो किन्ना कित्थे आउंदियां सी, तो साल पहला तो जिहड़ी सरकार बनी उन्हां दियां गड्डियां किन्ना आउंदियां। तुसी भी 7-7, 8-8 बजे तक रात नूं इत्थे वेट करते रहिंदे हो कि हजे बाहर नहीं निकले, सैटरडे संडे भी बिच ही जांदे आ क्योंकि काम बहुत करना है, बहुत लेट हो गए पहले ही। इस करके मैनू उम्मीद है कि जिस रफ्तार नाल असीं चल रहे हैं, और मैं धन्यवाद भी करूँगा साडी सारी टीम का, फाइनांस की टीम का, और जिनी भी साडी प्रशासन नूं चलाउण वाली टीम है कि उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल फाइनैंसिस नूं मैनेज किया, सलाह नाल चलते हैं, कोई लोगों ते बर्डन नहीं पाया, असीं बजट दे विच भी बर्डन नहीं पाया, बजट दे विच भी असीं 16,000 तो उपर जिहड़ा प्रिंसीपल अमाउंट एंड 20,000 उहदा इंट्रस्ट, 36,000 करोड़ बजट दे विच भी वापस किया, जिहड़े हाई रेट इन्होंने इंट्रस्ट लए हुए सीगे, जिहड़े हाई रेट लोन लए हुए सी, इंट्रस्ट बहुत ज़्यादा सीगे। सो असीं चारे पास्यों एक साल दे विच ही असीं जिहड़ा जिवें दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने MCD बनी है तो उन्हां नूं चक्कण लग गए, हौली हौली घट जाणगे वह, तो जिहड़े ये कर्जे के पहाड़ सानूं ये छड्ड के गए ने असीं उन्हां नूं मत्था ला चुके हूँ, असीं उन्हां नूं बिल्कुल क्लीयर कर देना, तो पंजाब जिहड़ा वो फिर दोबारा जिहड़ा वो कर्जा रहित भी होगा और नौकरियां भी होणगियां और पंजाब रंगला पंजाब बनाउणा साडा सुपना भी पूरा होगा। सवाल कर लें एक जी GST कलैक्शन है साड़ी ना, वो इस वक्त एसटीमेट जो सा 16.61% इनक्रीज है, वो जो GST का बनना 18,126 करोड़ रुपया बनना है। असी मतलब हजे साढ़े पैसे कुछ रेंदे भी है सेंटर च, जिवें RDF है, नहीं नहीं एसटीमेट सीगा कि साढ़ा 23% का एसटीमेट है वधाउण दा, 16.6 हो गया, असीं 23% तां 25% तो भी उपर लैके जाना चाहेंगे GST का। खुद चीमा साहब ने राजपुरे के नेड़े जाके शंभू बार्डर से खुद आप रात को जाके ट्रकों की चैकिंग की, जी GST की चोरी होंगी है, तो असी व्यापारियों भी अपील की है कि तुम GST की चोरी ना करो। सो GST जिहड़ा है वो स्टेट का फंड है, और ये भी असी मेक श्योर कर रहे हैं कि सेंटर वालों GST सानूं टाइम पर मिल जाए। नहीं देखो हरियाणा दे विच नहीं कोई इदां दा हो नहीं है, उन्हां कोले गुड़गांव है जी, फरीदाबाद है,
उन्होंने को बहुत व्डे दो दिल्ली न लगते बहुत व्डे इंडस्ट्रियल सिटी ने जी वो बहुत जी एस टी बढ़ जाती है बहुत व्डिया व्डिया इंटरनेशनल उन्होंने कंपनियां ने अपने को भी हम कंपनियां आ गई जो तो एकदम जी एस टी जी है अपनी भी अप होगी सो असी फिलहाल पुराने नाल अपने कंपेयर करके कहने कि 16% तो उपर बधा लिया जो साड़ियां इतने इंडस्ट्री टाटा स्टील आ गई सनाथन टैक्सटाइल आ गई बर्बियो आ गई फ्रेडनबर्ग आ गई तो बहुत सारे आई टी सैक्टर दी जिहड़ियां कंपनियां आ रहे हैं हिंदुस्तान लीवर आ रहे हैं गोदरेज आ रहे हैं मैसी ट्रैक्टर वाले जिहड़े टैफे वाले ने वो आ रहे हैं तो अपने आप जिहड़ा साडा जिहड़ा रेवन्यू है वो बधूगा सो हरियाणा थोड़ा जा सबर रखो ये लथेगा ये भी लथेगा जो असी शुरू कर लिया हूँ एक साल से तो मैं 3 लाख करोड़ ला नहीं सकता ना वो भी दे रहे हैं जी वो भी जारी रहनी है जी उन्होंने लोगों ने नहीं चढ़ाया जिन्होंने मुफ्त बिजली देने असं एक करजा उन्होंने नहीं चढ़ाया करजा इन्होंने चढ़ाया गलत नीतियां ने तो खेडा वतन पंजाब दियां ने प्लेयर नूं उस दिन दिता जी उस दिन जिदे खेडा खत्म हुई 3 लाख के लगभग प्लेयर ने हिस्सा लिया उस और 14,445 क्लब यूथ क्लब जिहड़े ने उन्होंने असी रिवाइव कर रहे हैं हुण स्टेडियम भी बनावांगे असी ट्रैक बना रहे हैं असी पुलिस की भर्ती वास्ते एक पूरा परफॉर्मा जारी करता कि जनवरी नोटिफिकेशन मई जून च पेपर अक्तूबर च फिजिकल टैसट नवंबर च जिहड़ा नियुक्ति पत्र सो जिन्हों बिजली मुफ्त जा रही है या जिन्हों दवाई तो पढ़ाई मुफ्त मिल रही है करजा उन्होंने चढ़ाया जी उन्होंने कोई इस कसूरवार नहीं मानते असी करजा चढ़ाया साड़िया पॉलिसिया ने वह पॉलिसिया ठीक करके जो लीकेज बंद हो गई जो रेत माफिया बंद हो गया ना जी सारा पैसा इधर आने लग गया तो जो 3 लाख करोड़ वाला ना वो घटना शुरू हो जाएगा जो ट्रांसपोर्ट माफिया एक मिनट मैं ट्रांसपोर्ट की भी गल कर देना ट्रांसपोर्ट के हाँ जी असी उन्हों पहला बजट दे विच असी 2575 सी 3450 तक जाने सारा ट्रांसपोर्ट का ये भी ट्रांसपोर्ट लिखा है 21/22 3478 करोड़ ट्रांसपोर्ट 22/23 4139 करोड़ तो वाधा कितना होया जी 661 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट च डिपार्टमेंट च बचे है पहला कितने जाता सी दसो पहला कितने जाता सी वो तो जानते हो गए वह तो कद हर 5 मिनट बाद लंघ दी होगी कन्न च हार मार के पहला उत्थे जाता सी जिहड़ी कन्न च हार मार के लंघती सी हारन मार के लंघती सी लोगों ने जदों ही कोई डिवेलपमेंट हुई तो सब तो पहले दसा असी जिहड़ी ये सरकार है ना जी 5 साल वास्ते 5 साल असी 1 साल के इन गरंटियां पूरी करती हैं जिहड़ियां सरकार पांचवें साल भी नहीं पूरी कर सकदियां असी गरंटियां तो बिना भी काम कर रहे हैं टोल प्लाजे बंद हो रहे हैं रेता सस्ता हो रहा है मुफ्त पढ़ाई तो मुफ्त दवाई हो रही है 680 जाने कि 80% घर बिजली फ्री जा रही है बिजली बोर्ड का सारा पैसा दे रहे हैं इन्ने बावजूद भी तुम ये सवाल पूछ रहे हो भी कम तो दुरुस्त हो या नहीं जिते जाने पत्रकार उत्थे सत्थां जाके पिंडां च उत्थे जाके पुछ हाँ जी उहदी अज मीटिंग है इस तो बाद जिहड़ी बेमौसमी बरसात ते गड़े पए ने इहदे विच ही मैं दस दिंदा हुण फाइनांस कित्थे ने 33-75% दे विच पहलां 5400 रुपया सी 33-75% जे खराबा होया तां 5400 रुपया उहदा कहिंदे सी दिंदे नहीं सी असी उहनूं करता जी 6800 4000 रुपया सेंटर दिंदा सी उहचों 1400 रुपया पंजाब सरकार दा दिंदा असी सेंटर वाला क्योंकि जे उहनूं सेंटर वाले नूं छेड़ांगे उहनां ने 100 चिट्ठियां पाउणियां सानूं वो तो पता नहीं किन्ना टाइम लंघ जूगा असी चाहुंदे आ पैसा उदों ही मिले जदों फसल खराब होई है असी अपने वाले 1400 नूं 250 कर लिया डबल कर लिया 800 हो गए
पर एकड़ 75 तो 100 पहला 12,000 आता सी जी, असी हूँ 15,000 कर 15,000 रुपये पर एकड़। गिरदावरी 60% तो उपर गिरदावरी हो चुकी है, स्पैशल गिरदावरी भी जिस घर भी ढहे ने, टोरनेडो आया घर दिया छत्त भी चले गई, उधर फाजिलका वाल वो नुकसान भी हो, पशुओं का भी वो भी होगा, सब्जियों का भी होया, ये नहीं है कि कल असि कणक तो ही करा, सारी सब्जियां किसान तो किसान है, और जिन्हें जोड़ा बंदा उस जमीन पर खेती करता है काश्तकार है चाहे ठेके ते लई हुई है उसे नूं वो मुआवजा मिलेगा। तो अज मैं उसकी सारी रिपोर्ट लै रहा, विसाखी जी 14 तरीक न, वैसे तो विसाखी जोड़ा त्यौहार वो हाड़ी की फसल पक्न की खुशी चुंदा, पर क्योंकि कुदरत ने सानू ऐसी मार इस बार मारी है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, साड़ी हाड़ी की फसल का नुकसान हो गया, सो खुशी तो नहीं हैगी, पर घट्टो घट 15,000 रुपये के चैक जदों जा 8-8, 7-7 हज़ार के चैक असी जो देवे किसानों, तो थोड़ा बहुत मलम लग जूगी उन्होंने जख्मों पर, और पहली बार होगा कि 20 दिन 26-27 तरीक की गल है, 20 दिन असी चैक देने शुरू कर देंगे, मैं आप जाऊँगा जी 14 तरीक में, एक मिनट दस देना मैं। तो जे किसी का घर ढह गया तो पहला 95,100 रुपया से, हूँ असं उन्होंने 1,20,000 रुपया करता घर भी पावे, तो पारदर्शी नाल गिरदौरी चल रही है, पटवारियों जा डीसीज़ नू तहसीलदार नू सारे हुक्म जारी किए हुए हैं कि किसी खास बंदे दे घरे बैठ के गिरदौरी नहीं करनी, खेतों जाके गिरदौरी करनी है सारे पिंड नाल। मेरे को रोज़ फोटो आदि ने जिहड़े जिहड़े पिंडां च गिरदावरियां चल रही ने, सही लिखाया जा रहा सारा कुछ, जिन्ना मर्जी नुकसान हो गया पर सरकार संकट वेले पंजाब दे किसानां नाल, पंजाब दे मजदूरां नाल, पंजाब दे कष्टकारां नाल खड़ी। ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਲਿਖਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। RDF ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ਲ ਫੰਡ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ 67,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ RDF 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ RDF ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਲੀ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ। ਕੌਣ ਠੋਰੇ